चलिए स्वागत है आपका। और अभी हम चर्चा करते हैं संविधान के अगले भाग में, संविधान सभा का गठन एवं प्रवर्तन। तो हमारा जो वर्तमान संविधान है वो एकाएक नहीं बना है, बहुत सारे व्यक्तियों की कड़ी मेहनत के बाद, बहुत अध्ययन के बाद, बहुत विचार विमर्श के बाद, कई अलग अलग देशों के और सकारात्मक पहलुओं को इकट्ठा करके कंपाइल करके लेने के बाद बना हुआ है। तो संविधान सभा का गठन एवं प्रवर्तन, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस आधार में हुआ, किस नियम के तहत हुआ, किस तिथि को हुआ, किन लोगों को उसमें शामिल किया गया, और फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार से किए। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, रिटन है। तो लिखित संविधान का जो कॉन्सेप्ट है, तो विश्व का सबसे पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, ठीक है भाई। तो विश्व का सबसे पहला जो संविधान है जो लिखित है वो आपका है 1787 में, कहां का, अमेरिका का, कहां का, अमेरिका का, कहां, फिलाडेल्फिया में। ये मैं आपको थोड़ा सा डेल्फी, फिलाडेल्फिया में है ना भाई, तो फिलाडेल्फिया में 1787 में लिखित रूप से बना विश्व का पहला संविधान, कहां का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। अब आ जाइए भारत की तरफ। तो भारत में लिखित संविधान की संकल्पना कहां से आई, कौन लेकर आया, तो यहां पर प्रमुख हो जाता है विधेयक का नाम है, आपको मैं बताऊं तो स्वराज विधेयक, विधेयक का नाम है स्वराज विधेयक। कब आया, 1895 में आया, 1895 में आया। कौन लेकर आए, तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक इन्हीं का नाम है। तो लोकमान्य तिलक जी जो है इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, स्वराज विधेयक को लेकर आए थे, और स्वराज विधेयक के अंतर्गत स्वयं के शासन की बात कही गई थी, स्वराज विधेयक के अंतर्गत स्वयं के शासन की बात कही गई थी, उसके लिए प्रावधान बनाए गए थे, पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने स्वराज विधेयक को अस्वीकार कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार, या पहली बार किस भारतीय ने लिखित संविधान की संकल्पना की, तो व्यक्ति का नाम है लोकमान्य तिलक। या लिखित संविधान या भारतीय संविधान का प्रथम दर्शन किसने किया, भारतीय संविधान का प्रथम दर्शन किसने किया, तो लोकमान्य तिलक जी ने किया, स्वराज विधायक के, स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, 1920 वाला है ना भाई। तो असहयोग आंदोलन को खत्म करने के लिए भारत के वायसराय और महात्मा गांधी के बीच मीटिंग हुई कि भाई चलिए कोई बीच का रास्ता निकालते हैं और इस आंदोलन को समाप्त करते हैं। तो वो मीटिंग हुई थी कब, 5 जनवरी 1922 को, 5 जनवरी 1922 को। तो इस मीटिंग में वायसराय ने गांधी जी से कहा कि हम भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, तो यहां पर गांधी जी ने विरोध किया और कहा, और कहा कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। कब कहा, 5 जनवरी 1922 को कहा। किसने कहा, गांधी जी ने कहा। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो गया, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट हो गया, और पर्सन भी इंपॉर्टेंट हो गया। आ रही बात समझ में। इसके बाद फिर क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, नेहरू रिपोर्ट। हम भारत में संविधान के निर्माण के पहले जो जो और क्रियाकलाप हुए उससे रिलेटेड उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो नेहरू रिपोर्ट जो बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी, और इसके जो सचिव थे वो सचिव कौन थे, चितरंजन दास, है ना भाई। तो नेहरू रिपोर्ट जो आया, इसके सचिव कौन थे, तो सचिव थे चितरंजन दास। तो अब यहां पर थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताऊं, चितरंजन दास, तो ये सी आर दास भी ऐसा लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, नहीं होएगा।
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी हुए घनिष्ठ मित्र, है ना भाई, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही रहने वाले। और जहां पर आगे जाकर के क्या होता है, चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है, तो चित्तरंजन दास जी की मृत्यु होने के बाद मोतीलाल नेहरू जी हुए राजनीति से संन्यास भी ले लेते हैं। तो जब तक चित्तरंजन दास जी थे तब तक मोतीलाल नेहरू जी बहुत सक्रिय थे और उस समय इन्होंने बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, जिसके बारे में डिटेल में आपको आगे की क्लासेस में मिलता जाएगा, प्रावधानों और एक्ट्स के माध्यम से, टॉपिक्स के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट 1928, है ना भाई, तो यहां पर भी क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत का संविधान बनाने का, उसका प्रारूप बनाने का कोशिश किया गया था। 1928 नेहरू रिपोर्ट, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी और सचिव चित्तरंजन दास जी थे, ये लेकर आए। नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुआ, निश्चित तौर पर सक्सेस नहीं हुआ था, इसको नहीं स्वीकार किया गया, है ना भाई। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट जो है ईयर में आ जाता है 1934। तो 1934 में जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था, एक मिनट, जो 1934 में स्वराज पार्टी, तो ध्यान रखिएगा 1935 में किसने, स्वराज पार्टी। अब देखो ये स्वराज पार्टी को होता क्या है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने से कुछ राष्ट्रीय नेता उसके सहमति में नहीं थे, तो मोतीलाल नेहरू जी वगैरह ने क्या किया, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन यहां पर किया था, है ना भाई। तो बाद में वो स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस में आकर के मिल गई, कांग्रेस का समर्थन स्वराज पार्टी को मिल गया। स्वराज पार्टी का कॉन्सेप्ट ये था कि हम स्वयं चुनाव में भाग लेकर के सत्ता में जाकर के बैठेंगे और ब्रिटिशर्स को उनके कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे, भारतीयों के हित में काम करेंगे, ये स्वराज पार्टी का कॉन्सेप्ट था। तो 1934 में स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के संविधान की मांग की। तो भारत के संविधान के लिए किसकी मांग की, तो संविधान सभा के गठन की मांग की। ध्यान दीजिएगा, किसकी मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की, किसने, स्वराज पार्टी ने, किससे, कांग्रेस के अधिवेशन में 1934 में, जिसको कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। कहां स्वीकार किया गया, फैजपुर अधिवेशन में। तो संविधान सभा के गठन की मांग को कांग्रेस पार्टी ने कब स्वीकार किया, फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। आरी बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर 1934 के बाद आ जाता है 1938। तो 1938 में यहां पर नेहरू जी ने कहा कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, है ना भाई। और उस संविधान सभा में जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, वो व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय जनता द्वारा चुने जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी संविधान सभा में आकर के बैठ जाएगा, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनको व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारत की जनता द्वारा चुना जाएगा। ये स्टेटमेंट किसका है, तो 1938 में स्टेटमेंट किसने दिया, नेहरू जी ने दिया। ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू जी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा हिस्ट्री हुआ, इसके सारे जो लाइन है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नोट्स में का एक भी लाइन ऐसा नहीं है जिसको आपको नहीं पढ़ना है या छोड़ना है, जितनी चीजें महत्वपूर्ण है उतना ही मैंने इंक्लूड किया है, ना ज्यादा है ना कम है। अब देखते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो 8 अगस्त 1940, यहां पर डेट महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा, 8 अगस्त 1940। तो 8 अगस्त 1940 को आया अगस्त प्रस्ताव। क्या आया, अगस्त प्रस्ताव आया। तो अगस्त प्रस्ताव, है ना भाई, तो अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत लॉर्ड लिनलिथगो, यहां पे ध्यान रखिएगा नाम, लॉर्ड लिनलिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने पहली बार जो संविधान सभा की मांग है उसकी, संविधान सभा की जो मांग है उसको 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के संविधान की मांग को पहली बार कब स्वीकार किया, तो 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। आ रही बात समझ में, है ना भाई। तो उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये हुआ। इसके बाद अगला डेट है 30 मार्च 1942। तो
तो 30 मार्च 1942 क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन आया था? क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया था। तो इसने भी संविधान सभा के निर्माण की बात को समर्थन दिया था, स्वीकार किया था क्रिप्स मिशन ने भी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए। तो ये दोनों जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ये दोनों प्रस्ताव थे, यहां पर जो है इसको भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए, इस तथ्य को स्वीकार किया गया। पहली बार अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। अरे बात समझ में। लेकिन यहां पर जो है स्वीकार करने के बावजूद संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया, उसका कारण था, तो उसका कारण हुआ मुस्लिम लीग। क्या हुआ? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की यहां पर किस तरह से बात हो गई? मुस्लिम लीग की मांग थी यहां पर मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण की। तो यहां पर अगस्त प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन में उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, और स्वीकार न करने के कारण यहां पर संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। तो संविधान सभा का गठन कैसे, किस से हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब ये जो कैबिनेट मिशन है इसके बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी है। तो हम चर्चा कर रहे थे कैबिनेट मिशन के ऊपर। तो संविधान सभा का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट या किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन। कई बार कई परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया, जिसमें तीन सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीन सदस्य थे किसमें? कैबिनेट मिशन में। और इन्होंने क्या किया? 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की किसने? कैबिनेट मिशन ने। और 16 मई 1946 को जब इन्होंने अपनी योजना प्रकाशित की तो बताया कि किस आधार पर संविधान सभा का गठन होगा और उसके सदस्यों को कैसे चुना जाएगा। यहां पर मुस्लिम लीग की जो अलग संविधान सभा की मांग थी पाकिस्तान राष्ट्र बनाने के लिए, उसको कैबिनेट मिशन ने भी नहीं स्वीकारा। तो मुस्लिम लीग की मांग का को जो स्वीकार किया गया है तो वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, सबसे लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। तो मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको कैबिनेट मिशन ने भी नहीं स्वीकार किया, अगस्त प्रस्ताव में भी नहीं स्वीकार हुआ, क्रिप्स मिशन में भी नहीं स्वीकार हुआ, कैबिनेट मिशन में भी नहीं स्वीकार हुआ, है ना। फिर यहां पर जो कैबिनेट मिशन है उसने कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 389 होगी, 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 93 देसी रियासत से होंगे, और 4 जो है ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र 4 कौन कौन से हैं? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और कुर्ग बलूचिस्तान, ये आपके 4 उस समय कमिश्नरी क्षेत्र थे। प्रावधान किया गया क्या क्या? तो पहला, प्रति 10 लाख, अब इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा तथ्य कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है या इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन से संबंधित है। तो स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया, कितने सदस्य होंगे, कहां कहां से चुने जाएंगे। प्रति 10 लाख व्यक्ति से एक सदस्य का निर्वाचन होगा, प्रति 10 लाख व्यक्ति से एक सदस्य का निर्वाचन होगा, और जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा,
सदस्यों का चयन प्रति 10 लाख से एक व्यक्ति का चयन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाएगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन होगा। ये पूरी पद्धतियां वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अभी भी अपनाई जाती हैं। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कब, जब हम संविधान का भाग 5 राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत चर्चा करेंगे, है ना भाई। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, फिलहाल इसको मेमोराइज कीजिए। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा, मतलब कि सभी संप्रदाय के प्रतिनिधि होने चाहिए, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, ऐसे करके एंग्लो इंडियन वगैरह, तो सभी संप्रदाय के व्यक्ति जो है, प्रतिनिधि जो है, संविधान सभा में शामिल होने चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया। देशी रियासतों को कहा गया कि देशी रियासत के जो भी राजा वगैरह हैं वो स्वयं संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, ऐसा देशी रियासतों को कहा गया। तो देशी रियासत में कोई अलग से निर्वाचन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक संविधान सभा के जो सदस्य हैं, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, इनको लेकर के अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और इसी अंतरिम सरकार के माध्यम से नए संविधान के बनने और लागू होने तक भारत का शासन चलाया जाएगा। ये सारे तथ्य स्पष्ट किए गए कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, जिसका आगमन भारत में 24 मार्च 1946 को हुआ था। फिर जुलाई अगस्त माह 1946 में चुनाव हुए, निर्वाचन हुए। तो यहां पर निर्वाचन हुए, तो निर्वाचन 296 सीटों के लिए हुए, ये 292+4, देशी रियासत में तो निर्वाचन होगा नहीं, तो 296 सीटों के लिए जो निर्वाचन हुआ उसमें 208 सीट मिली तत्कालीन कांग्रेस पार्टी को, 208 सीट मिली कांग्रेस पार्टी को, और 73 सीट मिली 73 मुस्लिम लीग को, 73 सीट मिली मुस्लिम लीग को, और 15 सीट जो है स्वतंत्र प्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ। इस तरह से पहला जो इलेक्शन हुआ था संविधान सभा के लिए, उसमें अधिकतम सीट किसको मिल गई, कांग्रेस को मिली थी। अब नए मुस्लिम लीग जो है वो सीटें तो मिली, लेकिन पहले स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा में शामिल होने से मना कर देती है, देसी रियासत भी प्रारंभ में संविधान सभा से में शामिल होने से मना कर देते हैं। तो इस तरह से संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है कि ये संविधान सभा वगैरह नहीं, कांग्रेस की ही पार्टी है, ऐसा करके भी कहा जाता है। या संविधान सभा में उस समय जो व्यक्ति राष्ट्रीय नेता हुए, तो अधिकतर जो राष्ट्रीय नेता थे वो पेशे से वकालत करते थे, वकील थे, तो संविधान सभा को वकीलों का समूह करके भी इसकी आलोचना की गई है, इसके बारे में हम अंतिम रूप से बाद में चर्चा करेंगे। अरे बस समझ में। तो इस तरह से इलेक्शन हुआ, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर जी चुनाव जीते तो सही, पर जिस क्षेत्र से वो जीते वो पूर्वी बंगाल था, और पूर्वी बंगाल वाला जो हिस्सा है वो किसमें शामिल हो गया, तो वो पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी, मतलब वो उस क्षेत्र को जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है ना भाई, तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वी बंगाल, बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है वो किसमें शामिल हो गया, पाकिस्तान में शामिल हो गया। अंबेडकर जी जो थे यहीं से सीट जीते थे, तो ये सीट अब वर्तमान भारत में नहीं थी, तो इसलिए क्या हुआ, पूना सीट, ध्यान दीजिएगा पूना, तो पूना सीट में यहां से सीट जीता था किसने, एम आर जयंकर, ध्यान रखिएगा एम आर जयंकर, है ना भाई, इन्होंने पूना सीट को जीता था। तो इनको इस्तीफा दिलवाया गया, इनको पूना सीट से इस्तीफा दिलवाया गया, और यहां पर क्या भीमराव अंबेडकर जी दोबारा चुनाव लड़े और पूना सीट से वो सदस्य बने, और उसके बाद फिर वो संविधान सभा में आए, है ना भाई। तो यहाँ पर के एम मुंशी, संविधान सभा का जब गठन हो रहा था,
तो संविधान सभा में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी को उस समय सभी राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत मनाया, बहुत निवेदन किया, पर उन्होंने राजनीति में नहीं आने की बात कहते हुए संविधान सभा में शामिल होने से उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। के एम मुंशी जी जब अंतिम रूप से उनसे मिलने गए तो यहाँ पर गांधी जी जो है संविधान सभा में उस समय भी शामिल होने से मना कर दिए, पर यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी स्थिति में अंबेडकर जी को, अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना नहीं भूलिएगा। मुझे मेरे अनुभव के अनुसार भारत में उनसे बेहतर कानून का कोई ज्ञाता नहीं है। ये के मुंशी जी को स्टेटमेंट दिया था गांधी जी ने, और उसके बाद यहाँ पर जो है अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत उनको पूना सीट से पुनः चुनाव लड़वा करके बतौर सदस्य संविधान सभा में शामिल कर किया गया। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ये दोनों जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं बने। अरे बस समझ में। तो यहाँ पे हमने संविधान सभा का निर्माण हमने देख लिया, अब संविधान सभा द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है।